अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉरेन पेरेस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ये सीरम मैंने बहुत यूज़ किया है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी मैं ये सीरम, क्योंकि मेरी स्किन बहुत यानी कि ड्राई हो जाती है। तो ये और सीरम से ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेस्ट सीरम यही है, क्योंकि ये हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो स्किन को बहुत हाइड्रेट रखता है। हाइड्रेट स्किन के लिए, फाइन लाइन्स वगैरह के लिए ज़रूरी है। जो लड़कियाँ बच्चियाँ या जो 30 अबव हो गई हैं तो वो भी आराम से सब यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि बड़ी एज वालों के लिए फाइन लाइन दिखाए तो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हाइड्रेट है। अब ये मेरी सिस्टर ने, मेरा तो ख़त्म हो चुका था, मैंने जो पिछला सीरम वाइटनिंग एसेंस का मंगवाया था वो उसका पूरा मैंने पैक ख़त्म किया, मॉइस्चराइज भी ख़त्म कर चुकी हूँ। तो अब मैंने फिर अब मैं तो दोबारा नहीं लाई, लेकिन ये सीरम लिया तो ये मैं भी यूज़ कर रही हूँ, वो भी कर रही हैं। तो उन्होंने मंगवाया था तो मैंने सोचा कि इस पर आपको रिव्यू दिया जाए। इस तरीके से आपने इसको देखा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्किन को हाइड्रेट रखता है। और वो तो मेरी सिस्टर तो सिर्फ लगाती है ज़्यादातर यही है, क्योंकि उनको ये जो सीरम है ना, ये नहीं कि वाइटनिंग आपको देगा क्या, इस तरह कुछ नहीं है। फाइन लाइन्स वगैरह 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 और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखेगा। अगर हमारी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक तो मैं तो वैसे भी पानी बहुत कम पीती हूँ, तो अगर ऐसी चीज़ लगाई जाए तो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो अब खैर ये बहुत अच्छा सीरम है, तो मैंने सोचा कि इस पर आपको रिव्यू दिया जाए। अच्छा, दूसरा मैंने लिया था, ये शैम्पू आया हुआ है, न्यू शैम्पू केराटीन है, विटामिन B12, B3, VT। तो केराटीन जो यूज़ करते हैं बालों के लिए, तो ये बहुत अच्छा शैम्पू आया था। तो मैंने लिया था, तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू भी आपके साथ दिया जाए। तो इससे मैं अभी सिर्फ 2 बार बालों को वॉश किया है, केराटिन मैंने भी किया हुआ है बालों में, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। इतनी अच्छी कम प्राइस में इतना अच्छा शैम्पू मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि इस पर भी आपको रिव्यू दिया जाए। बाकी वो सीरम मैं लाई थी तो मैंने सोचा कि इसको आपको बताऊं, क्योंकि वो मैं सीरम पहले बहुत यूज़ किए, अब फिर से वो लेकर आई हूँ। तो गर्मी में भी अगर लगा रहे हैं तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पसीना या कुछ आता है, इसी में रह रहे हैं, या वैसे भी नाइट में यूज़ करना है तो नहीं होता कुछ भी ऐसा, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये हाइड्रेट स्किन के लिए ज़्यादा बेस्ट है, यानी हाइड्रेट करेगा, ये नहीं कि आपका ये गोरा चिट्टा इसको बना देगा, ऐसा नहीं है ये। लेकिन स्किन को जब हाइड्रेट करेगा तो स्किन हमारी बहुत खूबसूरत होती जाएगी, अच्छी बनती जाएगी। तो ज़ाहिर है हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, इसमें 1.5 है हाइलुरोनिक, तो ये तो हमारे लिए है ही ज़्यादा बेस्ट। और ये था शैम्पू पे, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इन दोनों चीज़ों पे तो आपने पता ही होगा इस सीरम के बारे में, तो आपने बहुत इसकी वीडियोस देखी होंगी, ऐड भी देखे होंगे, क्योंकि भाई बहुत अच्छा, तो लॉरेल की चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलती होंगी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।